टीम इनएक्सपीरियंस टीम थी, काफ़ी प्लेयर्स उनके नहीं थे सीजन के, लाइक मलिंगा थरंगा वगैरह, उसके बावजूद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फाइट देगी, लेकिन कैसे देखते हो इस टीम को बाकी आइंदा आने वाले मैचों में और आज के मैच? देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप अपोजिशन को ना देखो, अपनी अपनी जो है साइड वो देखनी चाहिए। आई थिंक हम लोग बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में फेलियर के बाद या वो जो लॉसेस थे, जो वो हमारा मोरल डाउन था एज ए नेशन या एज ए टीम, उसको जिस तरह वनडे की परफॉर्मेंसेस के साथ अपलिफ्ट किया गया और जिस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंसेस सामने आई और 5-0 का जो रिजल्ट था उसने तमाम प्लेयर्स को बूस्ट किया, तमाम प्लेयर्स की जो मोरल था वो हाई हुआ। और आई थिंक आज के मैच को अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगा था कि उनके नए प्लेयर्स हैं, क्योंकि हम भी बिल्कुल उनसे अनअवेयर थे, उनकी क्योंकि उनके साथ ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, तो एक नई टीम थी हमारे सामने। तो उसको देख के जिस तरह का इस मैच में भी रिज़ल्ट मिला और जिस तरह की परफॉर्मेंस सामने आई, तमाम प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया, तो आई थिंक ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है कि तमाम प्लेयर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और परफॉर्मेंसेज विनिंग परफॉर्मेंसेज के लिए जो है वो सामने आ। नॉट रियली, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि जिसके लिए आप खेलते हो, आप ये चाहते हो कि हमेशा टीम जीते। और आई थिंक शनवारी का जो स्पेल था वो बहुत अच्छा उसने एरिया के अंदर हिट किया, दूसरी टीम को प्रेशर में डाला, तो आई थिंक इट वॉज अ राइट डिसीजन। आप लोग जीत रहे हैं लेकिन अभी देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि हमें दूसरी टीम से बेहतर ये है कि अपनी टीम के मुतालिक हम सोचें, क्योंकि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखें कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद एक्सपेक्टेशन हाई थी लिमिटेड क्रिकेट के अंदर, उसको फुलफिल करने की तमाम प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं, एक रोल जो मैनेजमेंट ने तमाम प्लेयर्स को दिए हुए हैं वो उसके मुताबिक अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक आप किसी भी तरह श्रीलंका देखें, उनकी जो भी टीम है वो बेस्ट टीम होगी अपने अपने मुल्क की, इसीलिए वो सिलेक्ट होती है, मेरा हमेशा से ये मानना है। तो आई थिंक श्रीलंका की टीम गो के अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी लिमिटेड क्रिकेट में, लेकिन हम उनको बिल्कुल लाइट नहीं ले रहे, हम बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग एज ए टीम हर एक दिन को जीतने की कोशिश करें और अच्छी परफॉर्मेंसेज लेके आएं पाकिस्तान की। या डेफिनेटली आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग योर रोल अकॉर्डिंग टू द टीम। आई वॉज नॉट रियली थिंकिंग अबाउट दैट दिस इज माई कम बैक, बिकॉज I know in the last series I was not there, but still it was not in my mind. I just wanted to play the role given to me by the management. Happy to do that, and with the same time I think the performances of the players are really coming up for the future of Pakistan. This is great, like, you know, everyone is taking the responsibility and bringing the best results for the Pakistan cricket. देखिए मैं 10 माह से जब से मैंने रीमॉडल एक्शन के साथ बॉलिंग शुरू की स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तब से लेके जितनी भी जगहों पर मैं गया मैं सेम रीमॉडल एक्शन से ही बॉलिंग कर रहा हूँ। और इस मैच में भी सिर्फ एक मैच को लेके जो जिसके अंदर मैं कॉल हूँ, उसके पहले भी उसके बाद भी किसी भी जगह पर ऐसा कोई इशू नहीं आया। तो आई स्टिल बिलीव देर इज़ नो इशू, और बैंड तो हमेशा रहेगा मेरी बॉलिंग के अंदर, क्योंकि 15 डिग्री को हमेशा जहन में रखना है कि अंडर 15 डिग्री होना चाहिए। तो आई पर्सनली वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे जाना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा। एंड आई होप लाइक कि जो मेरा रीमॉडल एक्शन है उसी से मैंने सारी बॉलिंग की है, उसी से कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उसी के साथ इसको पास एक्शन की वो जो उन्होंने बात किया, फिर लव करो जा रहे हैं देने के लिए टेस्ट। एंडी पाइकक्राफ्ट और मोहम्मद हफीज का ये लव का रिलेशनशिप कैसे है? तो पहले भी मैच रेफरी था जब आपके एक्शन को सस्पेक्ट करा दिया गया था, और इसमें तभी मैच रेफरी आई थिंक आप इधर आ जाए और आप ही जवाब दे। नहीं, तो बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रूर दुख ज़रूर होता कि जब आपके आपके साथ ऐसा कुछ सिलसिला मुंसलिक हो जाए, क्योंकि देखें जो भी है वो नेचुरल है, मैंने कोई ऐसी चीज़ जानबूझ के नहीं करता या कोई ऐसी चीज़ मेरे अंदर नहीं है कि मैं एक बॉल के लिए करूँ बाकी बॉलों के लिए ना करूँ। थोड़ी परेशानी इसलिए हुई थी मुझे अर्ली ऑन जब ये दोबारा अभी कॉल हुआ, तो मैं रीमॉडल एक्शन के साथ ही सारी बॉलिंग कर रहा हूँ, और आई पर्सनली फील कि मैं 25% बॉलर भी नहीं हूँ आफ्टर माई रीमॉडल एक्शन, लेकिन स्टिल आई वॉज ट्राइंग कि किसी न किसी तरीके से मेरी जो रेपिटेशन हैं वो ऐड हों और मेरा जो एरिया है वो हिट होना शुरू हो जाए। एंड आई थिंक इस सीरीज़ में काफ़ी बेहतरी भी आई, लेकिन विद द सेम टाइम एक ऐसी मुश्किल भी आई, और आई होप के तमाम फैंस की जो दुआएँ हैं वो मेरे साथ हों, इंशाल्लाह ताला मैं इसमें इंशाल्लाह पास हूँ। Well, to be honest, first of all, I would like to welcome them from the bottom of the heart, and everyone is very excited to have them in Pakistan.
because I know, like, you know, World 11 also visited Pakistan. That was also one of the first step towards revival of Pakistan cricket. But with the same time, I think Sri Lankan are coming to Pakistan. For me, this is a great moment for the Pakistan cricket, and I hope, like, you know, after this visit, inshallah ta'ala, after the success of this visit, the more international cricket teams will visit to Pakistan, and we're really hoping, and we really wanted to host them with a lots of hospitality. Like, you know, everyone is waiting in Pakistan. We all are excited and waiting for that time when they all will be there, and inshallah it will be a great game. Hey, last. Feel sir, T20 kya मुझे नहीं पता भाई, मैं तो ये जानता हूँ कि मैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं अपने आप को 25% बॉलर भी नहीं समझता जब से मैंने रीमॉडल एक्शन अपना किया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके ऊपर, अपनी रेपुटेशन ऐड की हैं प्रैक्टिस में, बहुत ज़्यादा इसकी रेपुटेशन की हैं, और मैं हर अपने सेशन के बाद अपना बॉलिंग एक्शन चेक कर रहा होता हूँ, मेरे एनालिस्ट मेरे साथ हैं, मैं चाहे प्रैक्टिस करूँ चाहे मैच खेलूँ, तो मैं अपना बॉलिंग एक्शन और अपना एक एक बॉल चेक करता हूँ, लेकिन अब जो हुआ है उसके मुताबिक मुझे जाना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह दोबारा ये ऐसा इशू नहीं आएगा और मैं इसमें पास हो जाऊंगा, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अभी तो आपका वनडे टीम में तो है, T20 सीरीज में आपकी यहाँ पर वापसी हुई और टेस्ट सीरीज में आपके हवाले से बहुत भागी, आपकी बड़ी परफॉर्मेंस आई हुई है कि हफीज़ को टेस्ट सीरीज में होना चाहिए था, आप अपने टेस्ट करियर को किस तरह से देखें? पाकिस्तान के लिए किसी भी फॉर्मेट में सिलेक्ट होना एक ऑनर है, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी हम्बल कैपेसिटी में रहते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश की है पाकिस्तान के लिए अचीव करने की। इसी तरह ये जो टेस्ट का फॉर्मेट था, मुझे शुरू से ही मुझे मेरे जो प्यार करने वाले क्रिटिक्स हैं उन्होंने हमेशा ये समझा कि मैं टेस्ट क्रिकेट का अच्छा प्लेयर नहीं, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं अपने स्टैट्स के ऊपर जाऊँ तो मैंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 50 टेस्ट मैच खेले जिसमें 40 की एवरेज मैंने मेनटेन की, तो मैं खुश हूँ एज ए ओपनर कि मैंने वो काम किया जो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर एज ए ओपनर आप 40 की एवरेज मेंटेन करो तो एक अच्छा आपका रोल होता है अपनी टीम के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक कि मैं सिलेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्यूचर के अंदर जब भी मुझे मौका मिलेगा दोबारा से किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेलने का, तो मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में कोशिश करूँगा कि वो रोल प्ले करूँ और स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट का होना चाहिए। थैंक यू।